नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबर से। जिलाधिकारी के आदेशों को दरकिनार करते हुए ठेंगा दिखा रहे जिम्मेदार। विकास खंड अहिरोरी के अंतर्गत आने वाला नया गांव पट्टी, कैथीपुरवा, भानेकुइया, करीमनगर, रोतापुर जाने वाला 8 किलोमीटर सड़क मार्ग का मरम्मत निर्माण कार्य प्रधानमंत्री योजना मद के तहत कराया जा रहा है। इससे सड़क मार्ग पर पड़ने वाला भानेकुइया गांव में नाली आरसीसी रोड निर्माण कार्य में हुई अनियमितताओं को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया। निर्माण कार्य निर्धारित मापदंड के तहत नहीं कराया जा रहा है, जिसको लेकर वहां के ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। ग्रामीण बताते हैं कि यहां निर्माण कार्य में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया, मानक विहीन सामग्री व पीला ईटा का उपयोग किया जा रहा है। तो वहीं मंदिर के पास बनी आरसीसी रोड से पानी निकासी के लिए बम्बा डलवाने की बात कही थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। ग्रामीणों ने एक स्वर में आवाज उठाई है कि मानक विहीन निर्माण कार्य रोका जाए। हालांकि शासन प्रशासन की ओर से साफ तौर पर दिशा निर्देश हैं, निर्माण कार्य में गुणवत्ता का ख्याल रखा जाए। फिलहाल वहां जब मीडिया की टीम निर्माण कार्य के समय मौके पर पहुंची, वहां नजारा कुछ और ही देखने को मिला। ठेकेदार मेट की अनुपस्थिति में मनमाने तरीके से हो रहा था निर्माण कार्य। यहाँ कार्य की देखभाल करने वाले बड़े लाल शुक्ला ने बताया कि निर्माण कार्य मानक के अनुसार कराया जा रहा है। ग्रामीणों के आरोप बेबुनियादी हैं। प्रधानमंत्री योजना मद के तहत नया गांव से रोतापुर तक 8 किलोमीटर संपर्क मार्ग पर मरम्मत कार्य हो रहा है, जिसमें 2800 मीटर आरसीसी रोड निर्माण कार्य होना सुनिश्चित हुआ है। जहां पहले से बनी आरसीसी रोड जर्जर अवस्था में है, वहां पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जो मानक स्तर के अनुसार कराया जा रहा है। एसके लाइव न्यूज से प्रमोद सिंह की रिपोर्ट। शिव जी का मंदिर है, हम लोगों को परेशानी है, ये धार्मिक स्थल है, इसमें पानी पूरे गांव के पानी का टकराव हो रहा है, गंदगी का पानी आ रहा है, मंदिर के ऊपर रुक रहा है, इसके लिए या तो कोई बम्बा बनवाया जाए या गहरा नाला बनवाया जाए, ये कुछ नहीं कर रहे हैं। बोले इसी के ऊपर पत्थर डाल देंगे हम, मेरे को हम लोगों को इस विषय में दिक्कत हो रही है ना सबको। जी साहब पहले आए थे हम यहाँ, कोई सुनता नहीं है, कोई कर्मचारी इस बात को मानता नहीं है। बम्बा डालने पर आप कहते हैं, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अजय प्रताप है। पिताजी का नाम? श्रीलाल मल। कौन सा गांव है? भानेकुइया। विकास खंड? अहिरोरी। सड़क निर्माण को लेकर क्या समस्या आ रही है? बस यही सर, हमारे लगे वहाँ खोलना है तो हमारा सबके नीचे में है, काफी एरिया पानी जाता है वहाँ पर। यही सर बम्बा डालने के लिए कह के ना सर, अब बम्बा वहाँ डाला नहीं है तो वो मोहल्ले में पानी पानी नीचे नीचे रहेगा, पानी जाएगा नहीं। अब आप मनमानी की गई बने सर भाई, जोर दबाव से बम्बा नहीं पड़ा बस, यही बात है। तो आप क्या चाहते हैं? अरे चाहते सर यही, वहाँ पर बम्बा पड़ जाए और हमारे कर्तव्य दूर हो जाए, बस यही चाहते हो, बाकी क्या चाहते हैं? क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। पिताजी का नाम? रमेश चंद। गांव कौन सा है? भानेकुइया। विकास खंड? अहिरोरी। सड़क निर्माण को लेकर क्या समस्याएं आ रही हैं? सड़क निर्माण को लेकर सारी समस्याएं हैं। एक तो मानक के हिसाब से कार्य नहीं हो रहा है, दूसरी चीज जो मटेरियल लग रहा है वो मटेरियल भी पूरा नहीं लग रहा है। ऐसे अंदाज से मटेरियल लगाए जा रहे हैं, गिट्टी भी अंदाज से, मोरंग अंदाज से, सीमेंट का नाम है सिर्फ। दूसरी चीज ये पीला ईंट लगा रहे हैं, ये जो पीला ईंट है ये देखिए आप, ये देखो पीला ईंट लग रही है, पीला ईंट लगाई जा रही है। कहते हैं अगर हम उनसे सवाल करते हैं तो कहते हैं हमें जो मिल रहा है उसी पर हम काम करेंगे। हम जो कौन है जिम्मेदार यहाँ का? जिम्मेदार यहाँ कोई आता ही नहीं, ना कभी जेई आता है, ना कोई ठेकेदार, यहाँ मेट लोग हैं कार्य करा रहे हैं। मेट का क्या नाम है? मेट का नाम मेरे को नहीं पता है जी, बाहर के कर्मचारी हैं यहाँ पे, वो किसी की नहीं सुनते हैं, वो अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कह रहे हैं जो करना है कर लो, हम अपनी मर्जी से जो मटेरियल हमें दिया जा रहा है उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। तो आप क्या शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम उम्मीद यही करते हैं शासन प्रशासन से, जो भी कार्य किया जा रहा है मानक के हिसाब से, जो सरकार के हिसाब से है वो सही किया जाए, जो उल्टे सीधे कार्य हो रहे हैं इन पे रोक लगाई जाए। क्या नाम है बाबा? हमारा नाम मंगा सिंह। पिताजी का नाम? गजराज सिंह। गांव कौन सा है? भानेकुइया। और विकास खंड? अहिरोरी। सड़क निर्माण को लेकर क्या समस्याएं आ रही हैं? समस्याएं यार पीला ईंट लग रही, पीला ईंट लग रही है, तो अब क्या चाहते हैं? अव्वल ईंटा लगने चाहिए। अच्छा, जो निर्माण कार्य करा रहा वो यहीं के हैं? कौन है, क्या नाम है जानते हैं? वो ठेकेदार हैं।
ठेकेदार बाहर गए कहीं। अच्छा, तो उनसे आपने कहा नहीं कि ये पीला ईंट लग रही है? कहा गया था, तभी तो चट्टा उठवाया गया। कौन सा चट्टा? ईंटों का चट्टा लगवाया था? हाँ, उधर मेरे दुकान के पास था। अच्छा, तो फिर राजीव थे वहाँ पे, राजीव ने डिस्टर्ब किया, हम भी थे वहाँ पे, हमने कहा वाकई में ये पीला ईंट, उधर ठेकेदार आ गए, उनसे कहा गया, कहा ये भट्टे वाले ने गलत काम किया है, तो हम लोगों ने कहा जैसा पैसा दिया होगा वैसा ही ईंट आएगा, तो पीला था, हमने कहा इसको रिजेक्ट है, ये उठवाइए, तो कहा उठवा देंगे, फिर पीला ईंट चली गई, बाकी ऐसे ऐसे खड़ी पड़ी हुई है, और इसमें अब अच्छी ईंट लगवानी चाहिए, और क्या है। क्या नाम है आपका? सर्वेश। सर्वेश। पिताजी का नाम? कहाँ के निवासी हैं? ये विकास खंड आयरोरी और ये ग्राम पंचायत है बानेकुइया, इसमें आरसीसी रोड का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, आपके द्वारा हो रहा है ये? हमारे द्वारा नहीं, तो कौन करा रहा है? ठेकेदार। क्या नाम है ठेकेदार का? तो इस समय यहाँ पे कौन देख रहा है ये कार्य? जैसे हम देख, जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये निर्माण कार्य चल रहा है, तो इसकी इस समय कौन देखभाल कर रहा है? यहाँ पे जिम्मेदार हैं जो देखभाल कर रहा हो इसकी, कार्य निर्माण कार्य चल रहा है, जिम्मेदार सर नहीं यहाँ, तो यानी बगैर जिम्मेदारों के ये निर्माण कार्य कराया जा रहा है जैसा कि हम देख पा रहे हैं ना? कहा कि मसाला देखिए आप जी, वो देख रहे हैं, तो आप मेट तो है नहीं? नहीं, तो जिम्मेदार यहाँ पे आते नहीं है क्या? मेट आया था अभी, मेट आए थे। क्या नाम है उनका? आपको नहीं पता है उनका क्या नाम? नहीं, नहीं। कहाँ से आते ये भी नहीं पता? ठेकेदार चौसे के हैं सर। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।